बहुत स्वागत है आपका। और आ गया हूं मैं अतिथि शिक्षकों के भर्ती के आदेश को लेकर। मित्रों आप सभी कैसे हैं, ठीक होंगे? और जारी कर दिया है डीपीआई ने आदेश, यहां पर आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 2/7/2024 क्रमांक अतिथि शिक्षक 2024-108 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। यहां पर देखेंगे विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी GFMS पोर्टल पर नियम अनुसार प्रक्रिया अनुसार दर्ज करवाएं। नंबर एक, विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉग ऑन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 की पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करेंगे तथा मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके समक्ष रीमार्क कॉलम में चयनित लिखे। यदि मेरिट क्रम के अनुसार चयन नहीं किया गया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उनका कारण अंकित करेंगे। नंबर तीन, यदि पैनल की जानकारी प्रविष्ट करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रदर्शित होता है तो इसका तात्पर्य है कि संबंधित आवेदक द्वारा अपना यूजर नेम मोबाइल नंबर परिवर्तित करा लिया गया है, अतः शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त कर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। विद्यालय बार विषय बार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। संकुल के अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्ट कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्ट दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण हो जाए, इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। उक्त कार्य जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं और समय सीमा में कार्रवाई न करने पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। KK द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूं, संचालक राज शिक्षा केंद्र भोपाल, कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले मध्य प्रदेश, उप संचालक MSEO अरेरा हिल्स भोपाल श्री अंकुर दीक्षित, लीड MPSE अरेरा हिल्स भोपाल की ओर से सूचना, समस्त शाला प्रभारियों शासकीय विद्यालय की ओर से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई। यहां पर आप देख सकते हैं शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य द्वारा पैनलवार जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर पूर्व से मेरिट सूची 2023-24 की जानकारी शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य सर्वप्रथम लिंक पर लॉग ऑन करके स्कोर कार्ड मॉडल में जाएं और स्कोर कार्ड में मॉडल में क्लिक करने के उपरांत निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें पर क्लिक करें। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्कोर कार्ड और शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य जिस विद्यालय में पैनल के आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं उस विद्यालय का डाइस कोड की जानकारी यहां पर प्रविष्ट होगी और एड गैस फैकल्टी डिटेल, यहां पर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, विद्यालय के डाइस कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय में जिस विषय के पैनल की प्रविष्टि की जा रही है उस पैनल का नाम एवं आवेदक का यूजर नेम मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज होगी और विद्यालय में चयन किए गए पैनल की मेरिट सूची समस्त आवेदकों की जानकारी दर्ज करें। गत सत्र में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके रीमार्क चयनित लिखें। अन्य आवेदकों के समक्ष आवश्यक कारण दर्ज करें। शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य पैनल बार आवेदकों की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें और इसके बाद में आवेदक के यूजर नेम मोबाइल नंबर परिवर्तित होने पर, यूजर नेम मोबाइल नंबर रुटिपूर्ण होने पर संबंधित आवेदक का स्कोर कार्ड सत्यापित नहीं होने एवं आवेदक का नाम चयन किए गए पैनल का स्कोर कार्ड नहीं होने पर जानकारी दर्ज नहीं की जा सकेगी। ऐसे प्रकरण पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। जिन आवेदकों ने मोबाइल नंबर परिवर्तित कराए हैं संस्था प्रमुख ऐसे आवेदकों से वर्तमान मोबाइल नंबर प्राप्त कर जानकारी दर्ज करें।
विद्यालय में यदि किसी पैनल की मेरिट सूची में 10 से अधिक आवेदन होने पर एड न्यू रो पर क्लिक करें और दर्ज जानकारी अपडेट करने हेतु डिटेल पर क्लिक करें। तो यहां पर अगर ये पैनल की जानकारी यहां पर दर्ज होगी तो आदेश आ चुका है पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक ही रहेंगे मित्रों, बाकी जो भी डिटेल होगी बहुत अच्छा आदेश है इसको मैं कहूंगा, ऐसा आदेश कभी नहीं आया, इसमें कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ डायरेक्ट अतिथि शिक्षकों की फीडिंग होगी। बाकी फिर मैं फेस स्कैन वीडियो पर सारी जानकारी ला रहा हूं, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और मोबाइल नंबर आपका कंप्लीट होना चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका लॉग ऑन आईडी खुलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी और तमाम जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी देखेंगे, जांच करेंगे और फिर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।